हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्रिपल एस दिस इज़ सरवत रशीद विद अ न्यू लेक्चर ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इससे पहले मैं ऑलरेडी दो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने जम्मू प्रोविजन के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें कवर किया है उनके डेस्टिनेशंस को कवर किया है आप मेरे उन लेक्चर्स को भी देख लें और इन लेक्चर्स में मैं कश्मीर वैली को कवर करने वाली हूँ यानी कि आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू कम्प्लीट फाइव डिस्ट्रिक्स ठीक है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं रिमेनिंग फाइव डिस्ट्रिक्स जो है उनको कंप्लीट करूंगी सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट सो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हम कश्मीर वैली में पढ़ेंगे वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो सबसे पहली डेस्टिनेशन है वो है मर्तंड सन टेम्पल यानी कि मर्तंड जो है एक संस्कृत हाँ संस्कृत वर्ड का सिनोनियम है यानी कि मर्तंड का मतलब होता है सूर्य ठीक है सूर्य यानी कि सन इसलिए इसका नाम है मर्तंड सन टेम्पल ठीक है ये कश्मीर के अंदर है मर्तंड इज़ एनदर नेम फॉर वॉट सन ठीक है यहाँ पे मैंने लिखा है और हाँ मर्तंड एक संस्कृत वर्ड है तो यहाँ से पता चलता है कि ये टेम्पल जो है सूर्य गॉड को यानी कि सन को जो है डेडिकेटेड है और इसको बनवाया था कारकोटा डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य मुक्त पिदानी ठीक है अब आप मुझे बताएंगे जो ललित आदित्य मुक् पिदा हैं वो कौन से रूलर थे यानी करकोटा डायनेस्टी के कौन से रूलर थे और कारकोटा कर, डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ठीक है ये मैं कारकोटा डायनेस्टी आपको ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा चुकी हूं नेक्स्ट वन इज अमरनाथ जी केव ठीक है अब अमरनाथ जी यात्रा के बारे में हम सब ने सुना है अमरनाथ जी यात्रा जो है हर साल काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर जाते हैं यात्रा के लिए इट्स कंसिडर टू बी वेरी सिक्रेड इन हिंदुइज़्म ठीक है अब ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ठीक है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक लिंगम है यानी कि ये एक केव है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है कश्मीर के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक केव है जो कि माउंट अमरनाथ पर है ठीक है और ये जो केव है ये दिस इज़ दिस केव इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव यहाँ पर एक लिंगम है ठीक है वो लिंगम जो है इट इज़ कंसिडर टू तो बी फॉर्म्ड नेचुरली ये नेचुरली बना है और ये विद द फेजिज ऑफ मून इट इन साइज इट्स साइज इंक्रीजेस एंड डिक्रीज ठीक है इसका साइज़ जो है ये अपने आप नेचुरली जो है विद द फेजेस ऑफ मून क्या होता है डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है ये एक हाई आल्टीट्यूड पर है यानी कि माउंट अमरनाथ पर थ्री ट्रिपल एट मीटर्स की हाइट पर ये क्या है दिस इज़ सिटुएटेड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं हर साल जाते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है हिंदुज़म के अंदर हर साल अगस्त जुलाई अगस्त के मंथ में काफ़ी लोग यहाँ विज़िट करते हैं और श्रावण का महीना जिसे कहा जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है अशमुकाम श्राइन अशमुकाम श्राइन जो है आज से लगभग पंद्रह आज से फिफ्टी सेंचुरी ए में जो है इसे बनाया गया था और इसको बनाया गया है हज़रत शेख जैनुद्दीन जो सेंट हैं जो वली हैं उनकी उनके लिए बनाया गया है दिस इज़ डेडिकेटेड टू हिम ठीक है ही वॉज अ ग्रेट ही वॉज अ ग्रेट सेंट वो एक बहुत बड़े जो हैं सेंट थे एक मुस्लिम पीर थे ठीक है द नेक्स्ट वन इज खीर भवानी स्थापन सॉरी दिस इज दिस uh, इज़ इन uh, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे ठीक है ये गांधरबल में है नेक्स्ट वन इज शीशनाग लेक शीशनाग लेक जो है इट्स अ ओलिगोट्रॉपिक लेक जो कि हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ओलिगोट्रॉपिक लेक हो गया यानी कि जो लेक प्रोडक्टिव नहीं है ठीक है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो ये एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पर है यानी कि थ्री फाइव नाइन ज़ीरो मीटर्स की हाइट पर जो है ये सिटेटड है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है इसका नाम शीशनाग कैसे पड़ा शीशनाग मतलब शीश का मतलब होता है मिरर ठीक है और सॉरी या yeah. शीश का मतलब हो शीश का मतलब होता है मिरर और नाग का मतलब होता है, ठीक है? तो लेक ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज शीश नाग लेक ठीक है यानी कि मिरर क्लियर क्रिस्टल क्लियर लेक इसको कहा जाता है देन वी हैव यस, द नेक्स्ट वन इज़ वेरी नाग अब वेरीनाग जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेरी नाग को गेट वे ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है गेट वे ऑफ कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पर ये यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको बनवाया था इट वॉज़ बिल्ड बाई मुगल एम्पर जहांगीर इसको जहांगीर ने बनवाया था राउंड इसके आगे पीछे एक्चुअली जो वेरीनाग है ठीक है वेरीनाग के आगे पीछे एक ऑक्टिगोनल जो है एक शेप स्ट्रक्चर बनाया गया है वो जो दिस uh, इज़ uh, इसके आगे पीछे आर्केड्स हैं मैं आपको आगे बताऊंगी ठीक है ये जो है ये किसने बनवाए थे वॉज़ बिल्ट बाय मुगल एम्पर जहांगीर इन सिक्सटीन ट्वेंटी ए डी और यहाँ पे आसपास में जो गार्डन्स हैं वो किसने बनवाए हैं शाहजहां ने बनवाए हैं ठीक है और ये सोर्स है किसका झेलम रिवर का क्या वेरी नाग स्प्रिंग ठीक है अब नेक्स्ट वन इज़ अच्छा बल ठीक है अज इसको अचबल के नाम से भी जाना जाता है अचबल जो है ये भी कश्मीर के अंदर हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये भी एक स्प्रिंग है जिसके आगे पीछे काफ़ी टेरेस्ड गार्डन्स हैं इनको बनाया गया है और इन गार्डन्स का जो अपर पोर्शन है इसे बागे बेगम कहा जाता है बेगम बाग बेगम आबाद कहा जाता है जिसको कि नूर जहान ने बनवाया था ठीक है अशबल के लिए ये जो है इसको बागे बेगम जहाँ बेगम आबाद भी कहा जाता है इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ कि यहाँ पर एक मॉस्क है इस अशबल में जिसको कि कंस्ट्रक्ट करवाया है धारा शेखो ने अब धारा शेखु कौन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि धारा शेखू कौन से मुगल एम्पर का बेटा है ठीक है उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है कोकरनाग कोकरनाग जो है ये भी कश्मीर के अंदर है ठीक है इसे ब्रिंग कोकरनाग के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम जो है शेख उल आलम ने दिया है शेख उल आलम कौन है एक बहुत बड़े पोएट हैं कश्मीर में काफ़ी बड़े एंड स्कॉलर जाने जाते हैं उन्होंने इसका नाम कोकर नाम दिया है और इस पानी के अंदर जो यहाँ नाग का पानी है नाग इज काइंड ऑफ लेक तो जो इस यहाँ का जो पानी है इसकी इसमें इट इज़ बिलीव टू प्रोजेस मैजिकल पावर्स डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज मेडिसिनल वैल्यू ठीक है तो ये नाग भी हमारा अनंतनाग में है देन देयर इज़ पहलगाम पहलगाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है ठीक है इसे विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है यानी कि शेफर्ड्स का जितने भी जो विलेज ठीक है यहाँ पर जो है हमारे पास ये फोर्टी फाइव किलोमीटर्स दिस इज़ अवे फ्रॉम अनंतनाग और ये लिडार वैली के जो है बैंक्स पर है उसके साथ साथ इधर यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है काफ़ी ज़्यादा जो विज़िटर्स हैं काफ़ी टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं ठीक है यहाँ का जो वेदर है काफ़ी प्लेजेंट रहता है यहाँ पर एक वैली है जिसका नाम बेताब है जो यहाँ से अराउंड एट नाइन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है पहलगाम से मतलब पहलगाम के बिल्कुल करीब है और ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है इस वजह से कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग हुई है और हाँ इस मूवी इस जो ये डेस्टिनेशन है इसका नाम भी जो है एक मूवी से लिया गया यानी कि एक मूवी थी जो कि सनी सनी देओल और अमृता सिंह की एक मूवी बेताब के नाम से एक मूवी आई थी उसी वो यहाँ पर शूट हुई थी और उसी के नाम से यहाँ पर इसका नाम बेताब वैली जो है रखा गया है तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास आड़ू वैली अब आड़ू वैली जो है ये भी कश्मीर के अंदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये भी पहलगाम से कुछ बारह किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड इट इज़ नाउन टू बी अ बेस कैंप ठीक है फॉर क्लोही ग्लेशियर एंड टारसर लेक ठीक है अभी टार्सर लेक और कलोही ग्लेशियर के लिए ये क्या है इसको बेस कैंप जाना जाता है ठीक है वहाँ जाने के लिए ये दिस इज़ अ बेस कैंप राइट और क्लोही ग्लेशियर जो है इसको लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है कश्मीर वैली का सबसे बड़ा ग्लेशियर और उसके साथ साथ टार्सर लेक जो है ये जो है ये भी क्लोही लेक्स के बीच में है ठीक है दिस इज दिस आर क्लोही लेक्स और यहाँ पर हमारी टार्सर है इसके साथ साथ एक और लेक है वो है मारसर लेक और इन दोनों मार्सर और टार्सर लेक को में क्या कहा जाता है मर्सर भी कहते हैं इसको तो इन्हें जो है है ट्विन सिस्टर्स कहा जाता ठीक है, है तो ये जो यहाँ पर हमारी जो है इसके आसपास जो है यहाँ पे इनके बीच में हमारी बनती है यहां पे आरू वैली ठीक है और ये काफी खूबसूरत जगह है और ये भी हमारी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है नेक्स्ट चीज नेक्स्ट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट अब हम इसके बात करेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट को बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ गुलमर्ग गुलमर्ग का नाम आप सबने सुना होगा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो गुलमर्ग जो है ये एक हिल स्टेशन है जिसे मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये हमारे पीरपनजाल रेंजेज़ में है ठीक है और यहाँ पर जो काफ़ी सारी देखो अब गुलमर्ग जो है ना इसमें ये एक आ, हिल स्टेशन है जिसके अलग अलग लेवल्स हैं ठीक है जहाँ पर टॉप लेवल्स पे काफ़ी ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पर फिर उससे सेकंड जो स्टेज उससे कम जो नीचे वाला स्टेज है वहाँ पर लोग जो है यहाँ पर गंडोला राइड्स और इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं इसके अलग अलग स्टेज़ हैं ठीक है तो यहाँ पर इसके आसपास में एक महारानी टेंपल है जो कि लॉर्ड शिवा और पार्वती को डेडिकेटेड है जिसको महाराजा हरि सिंह ने बनवाया था ठीक है हरि सिंह जी ने बनवाया था महारानी टेम्पल को ये कहाँ पर है गुलमर्ग में ही है देन वी हैव सेंट मैरी चर्च जो कि ब्रिटिश स्टाइल में बनवाया गया था बाय ब्रिटिशर्स इन नाइनटीन वो भी हमारे गुलमर्ग में है उसके बाद गुलमर्ग गंडोला जो है ये वन ऑफ द फेमस एंड द हाएस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है यहाँ से जो है काफ़ी हाई स्टेजेस पर जाकर जो हमारे गुलमर्ग के अलग अलग स्टेजेस हैं अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनमें से एक जो टॉप पर स्टेज आती है वहाँ पर जाकर यू गो फॉर गंडोला राइड्स एंड ऑल तो ये वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड इट इज़ कंसिडर टू भी वन ऑफ द हाइस्ट देन वी हैव जियारत बाबा रिशी बाबा ऋषि की जियारत जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेंट या यू कैन से पीर बाबा पयाम जो हैं उनसे जुड़ी है ठीक है इट इज़ डेडिकेटेड टू हिम ठीक है और ये जो बाबा प्याम जैनुद्दीन है प्यामुद्दीन है ये कोटियर ये है एक ही वॉज़ अ कोर्टियर ऑफ़ किंग जैनिद्न यानी कि वो जैनुल आबिदीन जो सुल्तान हैं उनके कोर्ट में थे ठीक है ही वॉज़ अ कोर्टियर ऑफ जैनिद्दीन और यहाँ पर इनकी जो बाबा ऋषि जो ये श्राइन है यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो हैं आते हैं विज़िट करते हैं ठीक है थीके? द नेक्स्ट वन इज़ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बाबा ऋषि श्राइन है या जो ये बाबा ऋषि श्राइन है ये किसको डेडिकेटेड है सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू बाबा फ़्याम्द्दीन ठीक है द नेक्स्ट वन इज़ अपरवाद पीक्स ठीक है जो कि फ़ोर थ्री नाइन ज़ीरो मीटर हाइट में है और काफ़ी ज़्यादा जो इनकी हाइट है और ये फ़ोर थ्री नाइन जीरो मीटर हाइट पर है उसके साथ में ये पेरेंट एज यू कैन से दीज आर इन पीर पंजाल रेंजेस ये हमारी पीर पंजाल रेंजेस है और पीर पंजाल रेंजेस की सबसे बड़ी जो का जो सबसे बड़ा समिट है दैट इज वॉट अवर पीक ठीक है उसके बाद यहाँ पर आ, हाँ एक और चीज़ गुलमर्ग से जो गंडोला राइड के लिए जाते हैं ना वो यहाँ पर अफरवाद पीक पर भी जाते हैं ठीक है ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है तो यहाँ से गंडोला राइड्स वगैरह के लिए जाते हैं तो ये काफ़ी ख़ूबसूरत है काफ़ी लोग गंडोला के जरिए भी जरिए भी यहाँ पर दे रीच है ठीक है देन वी हैव अल्पथर लेक अलपथर लेक को फ्रोज़न लेक भी कहा जाता है ये लेक जो है ये इसी पीक यानी कि या अफरवत जो पीक है इसके फुट हिल्स पर जो ये लेक पाई जाती है ठीक है और यहाँ से क्या होता है यहाँ से गुजरता है हमारा गुलमर्ग स्टेशन पर जाने का यहाँ से जो हमारे ट्रैक स्टार्स फ्रॉम पॉपुलर हिल स्टेशन गुलमर्ग ठीक है यहाँ से गुलमर्ग से होकर के हम यहाँ को जाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट वन हाँ तो ये था अलपथर लेक जिसको आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच uh, तो लेक इज नाउन एज फ्रोजन लेक तो दिस इज योर अल्पथर लेक नेक्स्ट वन इज बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली डेस्टिनेशन इज दूधपत्थरी ठीक है दूधपत्थरी जो है ये इसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है वैली ऑफ मिल्क यहाँ पर शेख नूरुद्दीन वली ठीक है शेख नूरुद्दीन नूरानी जो वली हैं उन्होंने क्या किया था एक बार वो पानी को इट्स कंसिडर्ड ये माना जाता है कि एक बार वो पानी ढूंढ रहे थे और उन्होंने अपनी स्टिक के साथ क्या किया था कि ज़मीन में पानी को खो खोजने की कोशिश की थी तो वहाँ से दूध निकल आया था तो जब दूध काफ़ी ज़्यादा निकलने लगा तो इन्होंने उस चीज़ को वापस से कहा कि ये पानी जो है इससे लोग पियेंगे और इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं ठीक है लोग वज़ू के लिए अब्लूशंस के लिए जो है इस पानी को यूज़ करेंगे तो ये दूध है तो दूध का यूज़ करना जो है गलत हो जाएगा तो फिर वहाँ से जो उन्होंने इस चीज़ को वापस भेजा वापस किया और वहाँ से फिर जो है पानी निकला जो कि दिखने में वाइट था लेकिन वो दूध नहीं था ठीक है तो इसको उसके बाद इसका कलर जो है वाइट नज़र आता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज दूध पथरी यानी कि वैली ऑफ़ मिल्क जिसे हम जानते हैं और एक ये, ये हिल स्टेशन है जो कि पीर पंजाल रेंजेस पर है और इसकी हाइट लगभग टू थ्री टू सेवन थ्री ज़ीरो किलोमीटर्स है टू सेवन थ्री जीरो किलोमीटर्स यह ठीक है दो नेक्स्ट वन है हमारे पास यूसमर्ग अब यूसमर्ग जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूसमर्ग जो है इसको मीडो ऑफ जेसस भी कहा जाता है ठीक है ये पीर पंजाल पीक्स पर है माना जाता है कि जो जेसस हैं वो यहाँ पर यानी कि ईसा जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रुके हैं मीट तो इस वजह से उन्होंने अपना टाइम जो है यहाँ पर काफ़ी निकाला है तो इसे मीडो ऑफ जीसस कहा जाता है द नेक्स्ट और ये पीर पंजाल पीक्स पर है और ऑन द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा ठीक है देन नेक्स्ट वन इज सुखनाग सुखनाग जो है ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है और इसे स्प्रिंग ऑफ सोलिस भी कहा जाता है स्प्रिंग ऑफ सोलिस के नाम से इसको जाना जाता है इसका जो ओरिजन है ये तोस मैदान से हुआ है अब तोस मैदान क्या है तोस मैदान एक रूट है जो कि कश्मीर से एक टाइम पर पुंछ की तरफ जाता था ठीक है और फ्रॉम कश्मीर टू तो पुंछ ठीक है ये मैदान जो है हिस्टोरिकली भी काफ़ी ज़्यादा इट इज़ नाउन एंड इसके साथ साथ हाँ तो ये जो सुखनाग है इसका ओरिजन जो है वो तोस मैदान से ही होता है ठीक है सो द नेक्स्ट वन इज़ चराज शरीफ सो so चराज शरीफ जो है ये भी हमारे पास हमारी हाँ तो चराज शरीफ भी बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में चराज शरीफ शराइन या जो चराज शरीफ पीर बाबा जिसे कहते हैं वो यहाँ चराज शरीफ बडगाम में है और दिस इज़ यहाँ पर एक मस्जिद भी है और यहाँ पर एक श्राइन है जो कि डेडिकेटेड है टू सेंट नंद ऋषि नंद ऋषि वॉज़ अ ग्रेट वली अ ग्रेट सेंट जो कि जिन्होंने ऋषि जो एक सिलसिला है उसे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है ठीक है ऋषि नंद ऋषि जो हैं वो चराज शरीफ जो है इनको डेडिकेटेड है और यहाँ पर नंद ऋषि जो है सॉरी या नंद ऋषि या तो ये नंद ऋषि किसको कहा जाता है शेख नूरुद्दीन नूरानी को जो है नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है या फिर आलमदार कश्मीर के नाम से इनको जाना जाता है नंद ऋषि किसको कहा जाता है शेख नूरुद्दीन नूरानी को और उन्हीं के नाम पे ये उनको जो ये श्राइन है शराज शरीफ उन्हीं को डेडिकेटेड है दिस वाज बिल्ट इन फोटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी ठीक है इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये सुल्तान जैनून आबिदीन ने अराउंड फोर्टीन सेंचुरी में इसको रखा था फिर उसके बाद इसको इस श्राइन को यानी कि जो शराब शरीफ है इसको रिपेयर किया था चाक डायनेस्टी के रूलर याकूब शाह चाक ने और फिर उसके बाद फाइनली इसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी वो की थी अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने इसको जो है रीकंस्ट्रक्ट करवाया था सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर आर सबसे पहले तो चिराज शरीफ श्राइन किसको डेडिकेटेड है शेख नूरुद्दीन नूरानी वली अल्लाह को जो है ये डेडिकेटेड है ठीक है उस उनको सेंट नंद ऋषि के नाम से या पीर नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है या फिर अलमदार कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद ज़ैनलाबिद्न ने इसको इसका फाउंडेशन स्टोन बन स्टार्ट रखवाया था और उसके बाद याकूब शाह चक ने इसको जो है एक रिपेयरिंग करवाई इसको रिपेयर करवाया और फाइनली अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने इस का श्राइन को जो है रीकंस्ट्रक्ट करवाया था तो चिराज शरीफ श्राइन, श्राइन है कहाँ पर है ये भी बडगाम में है ठीक है सो नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं बांडीपुरा बांडीपुरा में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है निषाद पार्क अब निषाद पार्क को निशाद भाग से कंफ्यूज मत करना निशाद भाग जो है ये नाइनटीन निशाद पार्क जो है ये बांडीपुरा में है इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम बख्शी गुलाम मोहम्मद जी एंड इट वाज़ बेस्ड ऑन द सेम निशाद गार्डन जो कि मुगल्स ने बनवाया था ये उस पर है लेकिन ये छोटा है और ये बानी बंडीपुरा पूर, में है ठीक है और ये जो है बेस्ड ऑन निषाद गार्डन बाई मुगल्स इट्स नॉट निशाद गार्डन निशाद भाग नहीं है ये दिस इज़ निशाद पार्क जो कि बांडीपुर में है ठीक है तो ये किसने किसकी सुपरविज़न में बनाए दिस इज़ दिस वॉज कंस्ट्रक्ट इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फ़ोर बाई अंडर द सुपरविजन ऑफ पी एम ऑफ जे एंड के एट दैट टाइम पी एम हुआ करते थे तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के जो है सुपरविज़न में ये बना है सो द नेक्स्ट वन इज़ छोटा अमरनाथ छोटा अमरनाथ एक काफ़ी सेक्रेट प्लेस है हिंदुज़म में ठीक है इसको दानीश्वर कहा जाता है या फिर छोटा अमरनाथ जो लोकली इसको जाना जाता है छोटा अमरनाथ के नाम से यहाँ पर एक काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के अंदर एक केव है जहाँ पर शिवलिंग है ठीक है शिवलिंग है जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग जो हैं लगभग सिक्सटी मीटर्स जो है क्रॉल करते हैं अंदर जाने के लिए केव के अंदर जाने के लिए लगभग सिक्सटी मीटर्स जो है वो क्रॉल करते, है करते हैं और वहाँ जा कर के वो लॉर्ड शिव को के दर्शन करते हैं यानी कि लिंगम के दर्शन करते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर ये यह भी कहा जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए लोग आते हैं उस टाइम पर डिवोटीज़ आते हैं जिस टाइम पर अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो जो लोग अमरनाथ के लिए नहीं जा पाते हैं वो प्रेफरेबली यहाँ पर आते हैं ठीक है कहाँ छोटा अमरनाथ पे जो कि बडगाम में है बडीपुर में है सॉरी ठीक है so, सो ये हो गया हमारा छोटा अमरनाथ सो द नेक्स्ट वन इज़ या गुरेज वैली ठीक है अभी आ गया हमारे पास गुरेज वैली गुरेज वैली जो है ये भी आ, हमारे बांडीपुर में है जो कि ट्वेंटी फोर मीटर्स अबव सी लेवल इसकी जो है हाइट है ठीक है और इसको जो है ये हिमालयास में लोकेटेड है और एटी सिक्स किलोमीटर्स फ्रॉम बांडीपुरा है इस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ हिमालयन ब्राउन बियर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं ठीक है और उसके बाद यहाँ पे जो कृष्ण गंगा जो हमारा रिवर है वो गुर्रेज वैली से ही जो है गुजरता है इसके बीच से गुजरता है नेक्स्ट वन इज़ वुलर लेक वुलर लेक जो है ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और ये काफ़ी बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक है एशिया की ठीक है और इसमें यहाँ पर जो है ये हरमुख माउंटेन के जो है फुट हिल्स में है ठीक है उसके बाद इसको पुराने पुराने टाइम से वुलर लेक को महापदमा सर कहा जाता था इसी वुलर लेक के बीच में है जैना लंक जैन लंक जो है वो सुल्तान सुल्तान जैनलाबिद्न ने बनवाया था यानी कि एक आइलैंड है वुलर के वुलर लेक के बीच में जो के सुल्तान जैनलाबिदीन ने बनवाया था और इस यहाँ पर एक टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया गया था प्लस एक मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट की गई थी ठीक है उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है गांरबल डिस्ट्रिक्ट गांरबल डिस्ट्रिक्ट में जो पहली डेस्टिनेशन हम पढ़ेंगे दैट इज़ गंगाबल लेक गंगाबल लेक भी जो है हरमुख माउंटेन के पास है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ और काफ़ी ज़्यादा ब्राउन ट्राउट जो है वो काफ़ी यहाँ पर पाई जाती है ठीक है उसके साथ साथ वी हैव कृष्ण सर लेक वो भी गांधरबल में है और यहाँ पे ये भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है इसको लेक ऑफ कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है और ये नीलम रिवर को जो है ये इसका ओरिजिनेट जो है ओरिजिनेशन उसका घृषणसर लेक से ही होता है नेक्स्ट वानी सोनामर्ग सोनामर्ग भी बांडीपुर में गांधरबल में है ठीक है और इसको मीडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है ठीक है यहाँ पर दिस इज़ कंसिडर टू बी द गेट ऑफ हिस्टोरिकल सिल्क रूट जो सिल्क रूट यानी कि जो ट्रेड रूट था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एक जो ट्रेड रूट बन बना बन हिस्ट्री हमारी एंशंट टाइम्स पर जो यूज़ होता था ट्रेड के लिए वो उसका गेट वे जो है सोनामर्ग को कंसीडर किया जाता है ठीक है इट्स हिल स्टेशन ठीक है और काफ़ी खूबसूरत जगह है काफ़ी लोग विजिट करते हैं यहाँ पर भी और काफ़ी हाइट पर है उसके बाद है मानसबल लेक जो कि जिसका नाम जो है लेक मानसरोवर से निकला है ये एक फ्रेश वाटर लेक है ये भी इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोटस की कल्टीवेशन होती है और यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स वग़ैरह जो है साइट सीकिंग के लिए लोग यहाँ पर बर्ड सीकिंग के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर एक बाग है जो कि इसके बिल्कुल पास में है जिसे जरोखा या फिर जरोगा कहा जाता है जो कि इसके बिल्कुल किनारे पर है ठीक है और यहाँ पर इसको जो जरोखा है इसको जहांगीर के टाइम पर बनवाया गया था नूर जहान के लिए ठीक है उनकी वाइफ नूर जहाँ के लिए तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी पाँच डिस्ट्रिक्स को कम्प्लीट किया है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाकी की फाइव रिमेनिंग डिस्ट्रिक्स के साथ और हाँ नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम हमारे ट्रिपल एस के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी नोट्स हैं जितने भी पी डी हैं उनको पिन कर दिया है वहाँ पर सेंड किया आप चाहें तो वहाँ से अपने पी कनेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं और इसका पी भी जो है मैं वहाँ पर शेयर करूँगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी कनेक्ट uh, कर सकते हैं मेरे साथ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी थैंक यू सो मच